मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2-3 संबंधित बड़ी अपडेट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा अप्रशिक्षित शिक्षकों को कार्यमुक्त करें, सीएम राइज एवं उत्कृष्ट प्राचार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। पहली अपडेट आज ये रहेगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश जो GFMS में AWS हैं, अतिथि शिक्षक की जानकारी दर्ज करने का जो विकल्प है वो नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ पे ये समस्या AWS के अतिथि शिक्षकों के लिए बनी हुई है। आइए दोनों ही मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे सबसे पहले। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आइए समझते हैं क्या है पूरा इशू। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताया गया है मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सीएम राइज स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, डीएलएड, बीएड या एमएड में एडमिशन वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को कार्यमुक्त करें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। क्या है इसका मतलब, थोड़ा यहाँ से समझते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र से संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय पटवा ने समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को संबोधित पत्र में लिखा है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शासकीय सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड, एमएड और बीएड पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश तो यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया कि पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है। प्रवेश उपरांत संबंधित शिक्षक को कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होकर संबंधित संस्थान में उपस्थित होना अपेक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय शिक्षकों को प्रवेश उपरांत मूल संस्था द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा। इस संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है। अतः संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में वर्तमान सत्र 2023-24 हेतु प्रवेशित शासकीय सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे ये एक बड़ी अपडेट है। और इसके बाद लास्ट में ये भी बताया गया कि जो सीएम राइज और जिला उत्कृष्ट विद्यालय होते हैं वहाँ पे प्राचार हेतु जो आवेदन है उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 14/9/2023 जो लगभग थी, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2023 साय 5 बजे निर्धारित की जाती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डेट में बदलाव किया गया है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है कि अप्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनको कार्यमुक्त किए जाने की बात करी गई है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, MPGFMMS में AWS अतिथि शिक्षक की जानकारी दर्ज करने के विकल्प नहीं है। देखिए, अभी जो अपडेट आई हुई थी कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं यानी कि हर कैटेगरी के जो लोग हैं वो गेस्ट में अपना जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने पास की है उसके लिए यहाँ पे वो जानकारी को दर्ज कराएं, लेकिन जो AWS का ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा है। कारण क्या है कि पहले क्या हुआ था कि इनको जो 10% का आरक्षण दिया गया था, जो 60% था पहले बढ़ा दिया गया था, तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो ऐड ही नहीं हो पाई, जिस कारण से ये जो पोर्टल है अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो आगे चल के अब इसको ठीक किया जाएगा, तो इसमें जितने भी AWS के कैंडिडेट हैं बिल्कुल परेशान ना हों, वो आपके हक की ही बात है। तो वो डेफिनेटली आप लोगों के